हीरे का कुआं। रतनपुर गांव में राजेश और उसकी पत्नी बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। राजेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी बहुत लालची औरत थी। राजेश कुआं खोदने का काम करता था। एक दिन राजेश की पत्नी गुस्से में बोलती है, वोफ वोफ, पता नहीं अब कब तक इस गरीबी में ही जीना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मायके में ही थी। ये तुम्हारे ही पिछले जन्म का कर्म है जो आज तुम्हारे साथ साथ मैं भी गरीबी में जी रहा हूँ। लगता है तुम तो अमीर देश की शहजादी थी मायके में। दोनों के दोनों अपना मुंह फुलाकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, अजी सुनते हो, ऊपर से ये डब्बा उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। हाँ छोटा पड़ रहा है तो जुबान से ही उतार लो, जुबान तो बहुत लंबी है। अब देखो जी, ज्यादा ताने बाने मत दो, कह देती हूँ, हाँ वरना मैं मायके चली जाऊंगी। तो जा ना, मैं भी खुश तुम भी खुश। ये डायलॉग पिछले 6 सालों से सुन रहा हूँ और पता है ना, चाइना माल कभी वापस नहीं होता। अब सुधर जाओ, कह देती हूँ। उसी रात राजेश सोते सोते सपने में देखता है कि उसने एक जादुई कुआं खोदा जिसमें उसे हीरा मिलता है, और हीरा को घर लाते ही वह मर जाता है। अगली सुबह राजेश घबरा के उठता है और बिस्तर में बैठा होता है, तभी उसकी पत्नी दौड़ के उसके पास आती है। सुनते हो जी, सरपंच के 5 गण आए हैं और आपको आवाज दे रहे हैं। राजेश दौड़ के उनके पास जाता है। राजेश, तुम्हें सरपंच ने बुलाया है कल कुआं खोदने के लिए, गांव में पानी की कमी हो रही है। जी हुजूर, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा बोल सभी 5 गण चले जाते हैं। कुछ देर बाद, सुन लो जी, सरपंच ने पहली बार आपको अपने काम के लिए बुलवाया है। हाँ, अगर अच्छी रकम ना लेकर आए तो घर ही मत आना। हर जगह लालच करना अच्छा नहीं है। आज तक तुम्हारे लालच की वजह से ही हम गरीब के गरीब हैं। ऐसा बोलकर राजेश सरपंच के घर चला जाता है और पंचों के बताए हुए जगह पर कुआं खोदना शुरू करता है। लेकिन बहुत खुदाई के बाद भी पानी का नामो निशान नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद राजेश को एक हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हे मानव, मुझे और मत खोदो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारे जादुई हीरे देता हूँ जो कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे धोबी का कुत्ता नहीं बनना है कुआं जी, जो घर का ना रहे ना घाट का। मैं अपने गांव वालों के साथ गद्दारी नहीं कर पाऊंगा। तभी राजेश को सपने वाली बात याद आती है। सोच समझ कर बोलना, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बहुत देर सोचने के बाद उसने फिर से लालच ना करते हुए हीरे लेने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर पाऊंगा। आज अपनी गरीबी को दूर करने के लिए आपसे हीरा तो ले लूंगा, लेकिन मेरे लालच से किसी की प्यास नहीं बुझ पाएगी। हीरे से ज्यादा अनमोल है पानी। राजेश की बातों से कुआं बहुत खुश होता है। तुम बहुत ईमानदार हो राजेश, आज से तुम्हारी गरीबी खत्म समझो। कुआं को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। राजेश सरपंच से अपनी रकम लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी, किसी और से तोहफा क्यों भेजा? हाँ, मुझे तो शर्म आ रही थी। राजेश मन में सोचता है, मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुमको गिफ्ट भेजूंगा। खैर बताओ तो सही, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने कहा यह तुम्हारे पति ने भिजवाया है। मैंने देखा तो इसमें हीरे थे। राजेश चौंकते हुए कुछ सोचने के बाद, अरे हाँ हाँ, मैंने ही भिजवाया था। राजेश सब समझ जाता है कि ये जरूर उस चमत्कारी कुएं का ही काम है, और उस हीरे से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करके बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है, और पति पत्नी दोनों खुशी से रहने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।